पत्थर लगने की वजह से 13 साल की लड़की की मौत हो गई। जी हाँ, ये मामला जो है ये रजौरी से है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो लड़की है वो 13 साल की थी और ये मामला रजौरी के मुदल रोड से है। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं, इस लड़की का नाम जो है वो साजिया अख्तर है और साथ ही साथ ये जो है वो रोड क्रॉस कर रही थी और पत्थर गिरने से जो है वो इसकी जान चलेगी, यानी इसकी मौत जो है वो हो गई। बहुत दुखद मामला है। फिलहाल ओम शांति लिखना ना भूलिए और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जब इस लड़की की जान चलेगी उसके बाद जो है उस रोड पर बहुत से प्रदर्शन जो है वो लोगों के द्वारा किए गए कि जिस कंपनी की वजह से ये हुआ है उस कंपनी ने कहा था उस वक्त कि आप यहाँ से जा सकते हैं, पर उस रोड पे काफी लैंडस्लाइड जो है वो होती है। कल भी ये रोड जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद रही थी और उस लड़की की जो है वो जान चलेगी। फिलहाल लोगों ने जो है वो प्रदर्शन किए वहां पर कि इस लड़की की जो वहां जान गई है उसकी जिम्मेवारी जो है उसकी लापरवाही जो है वो कंपनी वालों ने की है, यानी उस कंपनी वालों की लापरवाही की वजह से इस लड़की की जो है वो जान चलेगी। बहुत प्रदर्शन जो है वहां पर हुए और उनके बाद उनकी यही गुजारिश थी कि एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इन कंपनी वालों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो वो लड़की है उसके परिवार के लिए भी कुछ सोचा जाए। फिलहाल ये मामला जो है वो मई 11 का है और 13 साल की ये लड़की है जिसका नाम शाजिया अख्तर है। जी हाँ, बिल्कुल 13 साल की उम्र में इस लड़की की जो है वो जान चलेगी। बहुत ही दुखद मामला है जो बुद्धल रोड से सामने आ रहा है, जहाँ इस रोड पर काफी प्रदर्शन जो है वो किए गए कि इस रोड पे जो कंपनी है उन्होंने लापरवाही की वजह से उस लड़की की जो है वो जान चलेगी। कल भी ये रोड जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद रही थी। फिलहाल जब घर लड़की की मृत्यु होगी उसके एक घर वाले काफी इस वक्त सदमे में है और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि फ्राइडे को यानी लैंडस्लाइड जब हुई तो ये रोड बंद रही और लोगों ने प्रदर्शन जो है वो भी किए कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि 13 साल की उम्र में जो इसके साथ हुआ यानी इसकी मौत जो है वो हो गई एक बहुत ही दुखद मामले से। हैरान करने वाला मामला है कि पत्थर जब गिरा तो उसकी जो है वो जान चलेगी। फिलहाल इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो लेनी चाहिए और फिलहाल दुआ कीजिए कि उसका परिवार जो है वो इस सदमे से उभर सके। और ओम शांति लिखना ना भूलिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।